ओम शांति। अमूल्य रत्न में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये सत्य है कि हमारी अपनी ही कमी और कमजोरी हमें संपूर्णता से दूर लेकर जाती है, और इस अपूर्णता का बोध हमें तब होता है जब हम संपूर्णता के आईने में अपने चित्र और चरित्र को देखते हैं। आज ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा हम इसी संपूर्णता के मापदंड को गहराई से जानेंगे और समझेंगे। और हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। बस अब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। बस अब आज हम बात करेंगे 18 जनवरी सन 1970 के महावाक्यों में, और इसका टॉपिक है संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति। बस अब ब्रह्मा बाबा को शरीर छोड़े यानी अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त हुए पूरा एक वर्ष जब बीत गया तब ये महावाक्य उच्चारे गए, और इसीलिए संपूर्णता की गहराई में जाने का हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत अधिक इच्छा है, और हम चाहेंगे कि आज हम संपूर्णता की परख को अच्छी तरह से समझ भी लें। और इसीलिए जब हम अव्यक्त महावाक्यों को शुरू करते हैं तो परमात्मा ने कहा कि संपूर्णता की परख यही है कि वह सभी बातों को सभी रीति से सभी रूपों से परख सकते हैं। तो सब हम चाहेंगे कि इसे आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। हम आत्माएं जो संपूर्ण पावन थी जी, जब इस सृष्टि मंच पर पहले पहले जन्म होता है, अवतरित होते हैं ये सतयुग आदि काल में, फिर पार्ट बजाते शरीर के साथ संबंध में आते आते जो शरीर का भान आत्मा के साथ मिक्स होता जाता है, उसमें विकारों की मैल मिक्स होने के कारण अपूर्णता आती जाती है। लेकिन जब कलयुग का अंत समय आता है तो परमात्मा हम सबको पहली वाली स्टेज की स्मृति दिलाते हैं कि तुम परम धाम से जिस स्वरूप में अवतरित हुए थे वो संपूर्ण स्वरूप था, जिसके अंदर कोई भी विकार नहीं थे, देहमान नहीं था, कोई बंधन नहीं था, उसको तुम्हें प्राप्त करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ किया, तपस्या की, जो संपूर्णता को प्राप्त करके 69 को अव्यक्त हो गए। अभी एक साल हुआ है, हम बच्चों को अपनी तरफ अपने समान बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं जी। उसमें संपूर्णता जो हम हमारे अंदर सर्वगुण सर्वशक्तियाँ सर्व कलाएँ आत्मा संपूर्ण निर्विकारी सर्व मर्यादाओं में संपन्न, उसको संपूर्णता कहा जाता है जी। जैसे चांद जब अपनी 16 कलाएँ प्राप्त कर लेता है, फुल मून जिसको कहते हैं जी, तो उस फुल मून में कोई भी कट नहीं रहती, कोई भी, वैसे चंद्रमा में दाग दिखाया है लेकिन उसके अंदर कोई कमी नहीं दिखाई दी है, संपूर्णता, फुल लाइट है और फुल मून है। ऐसे ही आत्मा जब सर्व विशेषताओं से संपन्न बन जाती है तब वो संपूर्ण कहलाती है, और वो जब संपूर्णता उसकी आ जाती है तो जैसे उसकी चमक बढ़ जाती, उसकी प्योरिटी की स्टेज बढ़ जाती, उसके अंदर कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं रहती, तो हर बात को जो है जैसा है उसको ठीक तरह से परख सकता है। उसके सामने जो भी आएगा उसको भी परख लेगा, और जो आने वाली सीन है भविष्य में है उसको भी वो समझ सकता है क्या होने वाला है। तो हम सब पुरुषार्थ करके उस स्टेज को प्राप्त करें जिसको ब्रह्मा बाबा ने प्राप्त किया जी। तो अब हमको भी संपूर्णता को प्राप्त करना है, इसके लिए परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं। एक बहुत सुंदर वाक्य है कि विचित्र के साथ चरित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र की ही याद रहेगी। ये पहला स्मृति दिवस था जी, 69 18 जनवरी को बाबा अव्यक्त हुए, और 70 में पहला 18 जनवरी मनाया गया जी। तो उसमें ब्रह्मा बाबा के चित्र को भी सभी याद कर रहे थे, कुछ के नयन गिले थे, तो बाबा ने कहा चित्र और चरित्र, चरित्र तो ब्रह्मा बाबा के ही, जो उन्होंने कर्म किए चरित्र भूमि माउंट आबू में रह करके, तो उनके कर्मों को उनके चरित्रों को याद कर रहे थे सभी, चित्र को भी याद कर रहे थे। लेकिन परमात्मा हम सबका ध्यान विचित्र की ओर खिंचवा रहे हैं, जिसको चित्र नहीं है
वो है निराकार शिव बाबा जी, जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं। हाँ जी। तो विचित्र, फिर चित्र, फिर उसके चरित्र जी, ये तीन की स्मृति साथ साथ रहे तो चरित्रवान बन जाएंगे। माना चरित्र को हम देखते हैं सिर्फ, हम उनका गायन नहीं करते, ब्रह्मा बाबा ने ये किया ये किया ये किया, केवल उसका हम वर्णन नहीं करते, लेकिन जो उन्होंने किया वो हमको यही इशारा करते हैं, बच्चे फुट स्टेप, कदम पर कदम रख करके तुम चलते चलो, तुम्हें कोई नया रास्ता नहीं लेना है। तो ब्रह्मा बाबा ने जो साकार में किया, उनके हर कर्म हम सब के लिए फॉलो करने के लिए हैं। संबंधों में कैसे आए, सब कार्य व्यवहार करते हुए कैसे न्यारे रहे, प्यारे रहे, सबकी पालना की, इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा संगठन, इतनी सेवाएं, सब कुछ करते हुए, मान अपमान निंदा स्तुति सब होते हुए, उसमें अपनी स्थिति कैसे संपूर्णता को कि वो ले गए। अब हम बच्चों को कहते, बच्चे फॉलो करो, सिर्फ इसका वर्णन नहीं करो कि ब्रह्मा बाबा ने ये किया ये किया ये किया। आज कोई शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने के बाद पहले भले उसकी कोई विशेषताएं पता हो या ना हो जी, लेकिन जाने के बाद सब उसका वर्णन कर लेते, वो भाई बड़ा अच्छा था, वो बहन बड़ी अच्छी थी, उसने ये किया ये किया ये किया। बिल्कुल। लेकिन जो उसने किया, क्या हम वो कर रहे हैं? तो परमात्मा हम सबका ध्यान ये खिंचवाते हैं कि ब्रह्मा बाबा के तुम चित्र को याद कर रहे हो, लेकिन चित्र के साथ चरित्र भी वर्णन कर रहे हो। अब आवश्यकता है खुद को चरित्रवान बनाने की, और चरित्रवान बनने के लिए जो कुछ उन्होंने कर्म किए, बोल बोले, संकल्प व्यवहार में आए, उसको सिर्फ फॉलो करो। और फॉलो करने के लिए अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा ने खुद दादी के द्वारा अपने कर्मों के बारे में, अपने चरित्रों के बारे में वर्णन किया है। शिव बाबा ने भी बताया, बच्चे ब्रह्मा बाबा ने ये किया, ब्रह्मा बाबा ने ऐसे किया। कोई भी बातें आती थी तो ब्रह्मा बाबा कैसे न्यारे प्यारे रह करके, शक्ति स्वरूप स्थिति में रह करके उसका सामना करते थे, पेपर को पार करते थे। तो बाबा तो एक साकार में थे, और साकार में हो करके उन्होंने कर्म करके संपूर्णता को प्राप्त किया। तो हम सब उनको अगर देखें और फॉलो करें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, बहुत सहज हो जाएगा। तो सर, इसमें एक शब्द है विचित्र, विचित्र के साथ चित्र जी। तो भाई साहब, जब ब्रह्मा बाबा साकार रूप में थे तो सदा ही उनको शिव बाबा की न केवल स्मृति थी, बल्कि शिव बाबा स्वयं उनके तन का आधार लेकर वाणी चलाते थे। तो क्या ब्रह्मा बाबा ने जो किया उनके लिए तो सहज हुआ, यही चीज जो बाकी ब्राह्मण हैं जो उनको फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा? क्या है, ब्रह्मा बाबा के आगे साथ में कोई नहीं था, एक अकेली आत्मा थी, और शिव बाबा गुप्त विचित्र है, उसको तो कोई जानता ही नहीं था। लोग तो ब्रह्मा बाबा को ही देखते थे कि यही शायद भगवान कहला रहा है अपने को, यही जो कुछ कर रहे हैं। कोई ने शिव बाबा को इतनी जल्दी पहचाना नहीं, बहुत गुप्त रीति से परमात्मा इनके द्वारा आते, पाठ बजाते, वाणी चलाते, तो कईयों को उसमें संशय पैदा होता था। और संशय पैदा होने के कारण ब्रह्मा बाबा का भी कई रिस्पेक्ट नहीं करते थे जी। और इसके कारण कई परीक्षाएं बाबा को सामना करना पड़ते था, भले सर्वशक्तिवान उनके साथ था, उन्हें अपने भान था कि मेरे साथ वो है, लेकिन सामने वाले आत्माएं जो सामने हैं वो तो परख नहीं पाई, कई नहीं परख पाए। कईयों ने बहुत अच्छी तरह से परखा, जो उनको फुट स्टेप फॉलो किया, बहुत रिस्पेक्ट दिया, लेकिन कई आत्माएं थी जो ब्रह्मा बाबा को परख नहीं सकी कि ये शिव बाबा का माध्यम है, तन है। इसके कारण उन्होंने बहुत कुछ सहन किया, बहुत कुछ सामना किया, यहाँ तक भी परिवार का भी सहन किया, समाज का तो सहन किया, परिवार का सहन किया, फिर जब सेवाएं वृद्धि को पाने लगी तो कई प्रकार की बातें ब्रह्मा बाबा के सामने आई जी। लेकिन साथ ही सर्वशक्तिवान था और उनको निश्चय था, इसलिए उन्होंने परवाह नहीं की और बहुत सहज उन सब पेपर्स को पार कर लिया। लेकिन हम आत्माएं इसको फॉलो करें तो हमारे सामने ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल बने। और इस समय तो हजारों ऐसे परिवार हैं, ऐसे भाई बहने हैं जी,
जो हर नियम और मर्यादा का दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, इसलिए अभी तो कोई के आगे मुश्किल है ही नहीं। ब्रह्मा बाबा का तो साथ कोई नहीं दिया उस समय, वो अकेला व्यक्ति था, लेकिन इस समय तो बहुत से भाई बहनों ने जीवन बनाई है। परमात्मा ने कहा कि आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना है, व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़े ये चेकिंग करनी है। अगर अव्यक्ति स्थिति बड़ी है तो अपने चलन में भी अलौकिक होंगे। अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिकल परख क्या है? अलौकिक चलन, ऐसा हम चाहेंगे अलौकिक चलन, इसको आप थोड़ा स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए और अव्यक्त रूप से एक साल पालना दी है जी, तो हम सबके आगे वो पेपर है सामने दे रहे हैं कि जब अव्यक्त पालना मिल रही है तो आप अपने को चेक करो कि व्यक्त से कितना समय हम मुक्त रहते हैं, माना इस बॉडी से, देह मान से, और साथ साथ जो हमारी लौकिकता है, खाना पीना बोलना चालना हंसना बहलना, लौकिकता में बहुत समय हमारा जाता है। लौकिकता में ये सारी जो भी बाह्य मुक्ता की बातें हैं वो सब लौकिकता में आती हैं। जब हम अव्यक्त स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करते हैं जी, तो इन सब बातों में रहते हुए भी हम बहुत न्यारेपन का अनुभव करते हैं। तो वो अलौकिक चलन देखने में ही आए कि ये लोग, लेकिन लोक में रहते हुए भी कोई आकर्षण इनको आकर्षित नहीं कर रही है। क्योंकि जब नई सृष्टि परमात्मा बनाते हैं तो ये पुरानी सृष्टि में माया भी उसी रूप में अपना सब रूप दिखाती है। साधन सुविधाएं ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट हुई हैं जो कोई को भी आकर्षित कर ले। जो अलौकिक है वो इस लोक की, इस दुनिया की, न व्यक्ति से आकर्षित होगा, न किसी वस्तु से आकर्षित होगा, न कोई स्थूल या सूक्ष्म चीजें उसको अपनी तरफ खींचेंगी। अव्यक्त माना व्यक्त की कोई बात उसको आकर्षित न करे। तो जब हम अव्यक्त स्थिति का पुरुषार्थ करते हैं तो हम ऐसा लगता है कि हम लोक में हैं लेकिन अलौकिक हैं, अलग हैं। लोग देखेंगे तो भी लगेगा ये लोग अलग प्रकार के हैं, इनका देखना, इनका बोलना, इनका चलना, इनका रहना बिल्कुल अलग है। अलग माना न्यारापन जी, न्यारापन फील होगा। लोगों की तरह खाएंगे नहीं, लोगों की तरह हंसेंगे नहीं, लोगों की तरह चलेंगे नहीं, ऐसे नहीं आवाज में बात करें, एक दूसरे की कटाक्ष करें, जो आज की दुनिया में सब कर रहे हैं जी। लेकिन अगर वो अव्यक्त पुरुषार्थी है तो उसकी चलन से अलौकिकता दिखाई देगी। सब क्या घर गृहस्थ में रहते हुए, ऑफिस जाते हुए, इस अलौकिक स्थिति का सभी लोग पुरुषार्थ कर सकते हैं? अगर अटेंशन रखा जाए, ये सम्मान रहे कि मैं किसका हूँ जी, किसने मुझे अपना बनाया है जी, और मेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य की स्मृति अगर रहे तो अटेंशन जाएगा। लक्ष्य की ही स्मृति अगर नहीं है कि मुझे बनना है उनके समान, संपूर्णता को प्राप्त करना है, तो जरूर इन व्यक्त बातों से, व्यर्थ बातों से किनारा करना पड़ेगा। अगर लक्ष्य ही नहीं है किसी को तो फिर पुरुषार्थ कैसे करेगा। लक्ष्य को सामने रखे, कर्म कोई भी करे तो लक्ष्य जिसके सामने होता है वो बाह्य मुक्ता में अधिक नहीं आता, अपना समय अपनी शक्तियां बचा लेता है। परमात्मा ने कहा कि इस वर्ष में पहली परीक्षा कौन सी हुई, इस निश्चय की परीक्षा में हर एक ने कितने कितने मार्क्स ली, मतलब ये निश्चय की परीक्षा, इसको हम चाहेंगे थोड़ा एक्सप्लेन करें। क्या है कि ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे जी, तो बहुत से बच्चों ने ब्रह्मा बाबा को और ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा के पार्ट को पहचाना जी, अचानक अव्यक्त हुए, दोनों आत्माएं समान बनी, एक निराकार शिव परमात्मा और ब्रह्मा बाबा समान स्टेज पर आ गए। फिर दादी के द्वारा उनका पार्ट शुरू हुआ, तो बहुत समय तक कईयों को दोनों के डिफरेंस का, अंतर का पता नहीं चला, ये शिव बाबा बोल रहा है या ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ करके जन्म नहीं लेगा, कईयों को ये भी शक था, ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर आत्मा जब शरीर छोड़ती है
तो जन्म लेगी। लेकिन ब्रह्मा बाबा संपूर्णता को प्राप्त हुए, देह संबंध बंधन से वो मुक्त आत्मा बनी, और मुक्त बनने के बाद वो नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त थी। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों समान बनकर के जब तक सृष्टि परिवर्तन नहीं हुई। परमात्मा ने एक महावाक्य में और भी आगे कहा है कि जैसे पूरा चक्र ऐसे घुमा करके सत्ययुग से लेकर के ऐसे चला और अभी कोने में आकर के वापस जाने के पहले आत्मा इंतजार कर रही है बच्चों का, गई नहीं है, सृष्टि चक्र में भी नहीं आएगी, जन्म भी नहीं लेगी। लेकिन अब संपूर्णता की स्टेज में रह करके शिव बाबा का साथी बन करके सूक्ष्म लोक से नई सृष्टि की स्थापना का कार्य करेगी। अब इस बात में सबको संशय पैदा हुआ, हर एक को संपूर्ण निश्चय नहीं हुआ जी। इसलिए ये बहुत बड़ी परीक्षा का समय था। कोई कहता था जन्म हो गया, कोई कहता था नहीं हुआ जी। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने और शिव बाबा ने दोनों ने इस बात को फिर स्पष्ट किया है आगे जी। कि ये जो आप लोगों की हलचल चल रही है, ये हलचल संशय की ही निशानी है। बाप दादा दो शब्द आते हैं, बाप दादा जी। बाप आत्माओं का पिता परमात्मा है जी, निराकार है, और दादा बड़े भाई को कहा है जी। तो ये दोनों समान बन गए, और समान बन करके पार्ट बजा रहे हैं, अवतरित होते हैं, पालना दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। इस बात को समझना हर एक के लिए सहज नहीं था, और एक साल हो गए, कईयों को कभी कोई प्रश्न उठा, कभी कोई उठा, लेकिन जो पालना साकार में लिए हुए बच्चे थे, जब वो बाबा के सामने आते थे तो बाबा उनको कुछ ऐसी बात जो साकार में उनके साथ घटी वो उनसे प्रश्न कर देते थे, पूछ देते थे। तो स्मृति आ जाती थी, ब्रह्मा बाबा ने साकार में मेरे को ये बोला था, तो निश्चय बैठ जाता था जी, जी, जी। नहीं तो संशय उठता था। तो कई परीक्षाएं आई शुरू शुरू में, लेकिन चलते चलते ब्रह्मा बाबा ने अपने पार्ट को स्पष्ट कर दिया कि मैं शिव बाबा के साथ हूँ, और साथ तब तक हूँ जब तक स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ। आज तो 49 ईयर्स हो गए, बहुत बड़ा विस्तार हो गया है। सतयुग की जो आदि संख्या है वो तैयार हो चुकी है, फिर भी बाबा अभी भी हम सबका इंतजार कर रहे हैं। सब बच्चों को अपने समान संपूर्ण बना करके वापस ले जाना है। वो आत्मा अभी भी वापस नहीं गई, परमधाम भी नहीं गई है, और पुनर्जन्म में भी नहीं आई। शिव बाबा के साथ है, और साथ रह करके जब वापस जाएगी उसके बाद फिर नए जन्म में श्री कृष्ण के रूप में उसका अवतरण होगा। सब बहुत ही गहरी और बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं। बस अब आगे बढ़ते हैं जब हम महावाक्यों में। जैसे इस पेपर में निश्चय की परीक्षा हुई, वैसे अभी एक और पेपर होना है। व्यक्त में भी अब भी सहारा है, जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन का सहारा था, वैसे ही अब भी ड्रामा में निमित्त बने हुए साकार में सहारा है। पहले भी निमित्त ही थे, अब भी निमित्त हैं। यह पूरे परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। इसमें पूरे परिवार को सहारा कहा है या फिर बाबा ने जिनको निमित्त बनाया? बाबा जब अव्यक्त हुए तो 21 जनवरी को दो दादियों को बाबा ने निमित्त बनाया जी। क्योंकि पूरा प्रशासन, इतना बड़ा, भारत की सेवाएं थी उस समय, विदेश की सेवाएं नहीं थी। हाँ जी। लेकिन दीदी मनमोहिनी 65 से बाबा के साथ रहती थी जी, मातेश्वरी के अव्यक्त होने के बाद। तो दीदी ने बाबा के साथ कई कार्य किए, जो अंदर की इंटरनल कारोबार थी उसमें मदद की बाबा को। हाँ जी। और सीख गए थे। लेकिन दादी जो थी, दादी प्रकाशमणि, वो बॉम्बे में थी, गाम देवी में, बॉम्बे का क्षेत्र उनके हाथ में सेवा का था। बाबा अव्यक्त हुए तो उस दिन दादी सामने थी, और शरीर छोड़ने के समय ही बाबा ने अपनी सब शक्तियां, जैसे दादी को हाथ में हाथ दे करके विल कर दी। अब उस आत्मा को और दीदी को साथी बनाया
कि ये दो आत्माएं साथ रह करके इस पूरे परिवार की पालना करेंगे। तो जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा निमित्त थे जी, उनके साथ दीदी थी, ऐसे ही अभी भी ये साकार में दो हैं और आप बच्चों की ये पालना करेंगे। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा से आपका स्नेह था जी, ऐसे ही इनको भी पूरा स्नेह देना है, इनसे भी स्नेह रखना है, इनका सहयोगी बनना है और शक्ति स्वरूप बनना है। छोटी छोटी बातों में माया के प्रभाव में नहीं आना है। तो बाबा उस समय बच्चों को तैयार कर रहे हैं और संगठन को मजबूत बनाने के लिए सब एक हो करके रहें, क्योंकि समान जब होती हैं, दादियां भी समान थी जी। दादी से भी, दादी प्रकाश मणि से भी बड़ी दादियां थी। बाबा के लौकिक में उनकी पुत्री निर्मल शांता दादी, उनकी बहू ब्रजिंद्रा दादी वो बॉम्बे में, निर्मल शांता दादी कलकत्ता में, वो दादियों से भी बाबा के समीप थी। लेकिन लौकिकता का कहीं भान ना आ जाए, इसलिए बाबा ने उनको सिर्फ जोन दिया और इनको सबके ऊपर मुख्य बना दिया, मुख्य प्रशासिका। अब दादी की बात को ये दादियां माने, बिल्कुल इनको स्नेह दें, इनको सहयोग दें, तो दुनिया के हिसाब से तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल भाई साहब। लेकिन ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों ने गाइड किया, जैसे बाबा ने कहा ऐसे ही सबने किया, सब दादियां एक हो गई। दादी प्रकाशमणि ने जो कुछ कहा, दीदी जी ने जो कुछ कहा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कभी क्वेश्चन नहीं किया कि मैं नहीं करूं, मैं कैसे करूंगी, ये कौन होती कहने वाली। लेकिन इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना स्नेह दिया, जो इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा संगठन, वैसे कोई बड़े के जाने के बाद कोई का गुरु चला जाता है, कोई का हेड चला जाता है, तो उसके बाद कई प्रकार के आपस में टकराव हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाती संस्थाएं। लेकिन इन बहनों ने इतना समाया अपने आप में, सहन किया और एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिया, जो आज ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय कितने देशों में छा गया। बिल्कुल भाई साहब, उसके बाद तो बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। और बाबा ने जो कुछ साकार में कहा था, इन दोनों दादियों ने संकल्प लिया और सबको साथी बनाया जी, कि साकार में उचारे हुए सब महावाक्य अब हमें प्रैक्टिकल करना है। वैसे इसलिए आगे चलकर परमात्मा ने कहा कि साकार से स्नेह अर्थात सारे सिजरे से स्नेह, साकार अकेला नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा तो उनके साथ परिवार है। माला के मणके हो, माला में अकेला मणका नहीं होता, माला में एक ही जात के सूत्र में स्नेह में परिवार समाया हुआ है। और जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह और समीपता होगी, उतना ही दैवी राज्य में भी समीपता होगी। सब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो भर कर आता है, वो है निश्चय का पेपर तो हुआ, परंतु जो अगला पेपर जिसकी परमात्मा बात कर रहे हैं, वो है हरेक के स्नेह सहयोग और शक्ति का। ये तीन पेपर हैं। बहुत बड़ा संगठन जब हो जाता है तो अक्सर देखते हैं कि जितना बड़ा होता जाता है संगठन, स्नेह भी कम होता जाता है, शक्ति भी कम होती जाती है और आपस में सहयोग की भावनाएँ भी धीरे धीरे कम होती जाती हैं। स्नेह का कम होने का कारण है मतभेद जी। अगर मतें नहीं मिलती, विचार नहीं मिलते, वास्तव में संस्कार और विचार ये दो चीजें हैं जी। परमात्मा ने हम सबको कहा है बच्चे, संस्कार तो हर आत्मा के भिन्न हैं, वो रहेंगे, लेकिन विचारों को मिलाओ, मतभेद न हो। अगर कभी कोई मत में भी भेद होता है तो मन भेद न हो। ये बहुत गहरी बात है जी। तो संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए एक ने कहा दूसरे ने माना, वो तभी हो सकता है जब बहुत स्नेह हो आपस में, विचार मिलन हो। तो संस्कार मिलन, विचार मिलन की रास कराई परमात्मा ने। भाई साहब, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और इतनी गहराई में जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने समझा कि संपूर्णता की परख यही है कि हम हर बात को संपूर्ण रीति से परख सकते हैं और जान सकते हैं।
जितना जितना हम संपूर्ण स्थिति की ओर आगे बढ़ते हैं उतना उतना हमारे चाल चलन में अलौकिकता आती रहती है और हम चित्र के साथ विचित्र का भी सिमरण करते रहते हैं। आज संगठन में सबसे बड़ी बात है स्नेह शक्ति और सहयोग की। हम ईश्वरीय महावाक्यों को जीवन में धारण करते, संगठन के बीच में रहते, अपने बीच इस शक्ति को सदा बढ़ाते रहें, हमारी यही आप सभी के प्रति शुभ भावना है। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को और अधिक गहराई से जानेंगे और बहुत सारी बातें उभर कर आएंगी। तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से विदा। ओम शांति। चित्र विचित्र चरित्र, विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र की ही याद रहेगी। चेकिंग करो, व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहां तक आगे बढ़े हैं, अलौकिक कहां तक बने हैं, निश्चय की परीक्षा में हरेक ने कितने कितने मार्क्स लिए।